नमस्कार, मैं आज मेरे फेसबुक और ट्विटर के लोगों को प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत मुझे दुख दे रही है, वो ये है कि आज आरडी बर्मन की पुण्यतिथि है और आरडी के और मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। वो मुझे दीदी कहता था और मैं उसको बहुत प्यार करती थी बड़ी बहन की तरह। वो बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर था, आज भी लोग उसको याद करते हैं सबसे ज़्यादा। पर जब वो था तब उसके आखिरी दिनों में लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उसका साथ नहीं दिया। फिर भी मैं आज उसकी याद को प्रणाम करती हूँ। और अब मैं आप लोगों के जो सवाल हैं उसके जवाब देने की कोशिश करती हूँ। सब आपको नमस्ते कह रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। विपिन परमार नमस्ते कह रहे हैं। नमस्ते नितिन भाई। कार्तिक चंदावर चंदावरकर कार्तिक चंदावरकर और करण सक्सेना आपको आशीर्वाद मांग रहे हैं। करण सक्सेना, मैं आपको आशीर्वाद तो देती हूँ पर मुझे ये बताइए कि आप करते क्या हैं। अगर आप गाते हैं तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप बहुत अच्छे गाने वाले बने। और केविन, मिस्टर केविन आपसे पूछ रहे हैं मदन जी के बारे में कुछ कहिए। मदन भैया के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। चूँकि मदन भैया के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, वो मैं उनको भाई कहती ही होता था। वो ज़्यादातर मतलब क्लासिकल जो राग होते हैं उस पे वो गाना बनाते थे, जैसे नौशाद साहब बनाते थे वैसे मदन भैया भी बनाते थे। और वैसे बहुत हंसमुख थे, किसी से प्यार करते थे तो बहुत प्यार करते थे, मुझे तो वो बहुत प्यार करते थे। अपने हाथ से मुझे खाना खिलाते थे, मतलब खाना बनाते भी थे और बहुत अच्छा बनाते थे और मुझे खिलाते थे। मदन भैया बहुत मतलब ये सब साथी मेरे मुझे छोड़ के गए हैं और मुझे बहुत दुख है, पर मदन भैया के लिए ख़ास तौर पे मेरे दिल में बहुत एक अलग जगह है। दीदी, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, योर एसोसिएशन विथ श्री यश चोपड़ा। यश चोपड़ा जी मेरे भाई थे, वो मेरे बगैर पिक्चर नहीं बनाते थे, मतलब मेरा गाना होना ही चाहिए चाहे एक हो चाहे कुछ हो। और उन्होंने मुझे, उनकी आखिरी पिक्चर थी जो मतलब मुझे बहुत अफसोस है, उन्होंने मेरे सामने आके कहा कि दीदी मैं चाहता हूँ कि मैं वीर धारा बना रहा हूँ और वीर धारा में सिर्फ आपके गाने हों, मतलब मेल सॉन्ग तो कोई और गाएगा लेकिन लड़की के जो गाने हैं वो मतलब मैं चाहता हूँ कि झाड़ू मारने वाली लड़की से लेकर हीरोइन तक आप ही गाएं। और उस वक्त उन्होंने सारे गाने मुझसे लिए, 11 गाने थे मेरे उसमें और बहुत दिनों के बाद मैंने इतने गाने गाए थे। उनके जाने का मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, और वो इतने अच्छे थे और मुझे बहुत चाहते थे। मिस्टर चंदन लंदन से आपको नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार चंदन। दीदी, सम मेमोरी ऑफ यू इन लंदन प्लीज। लंदन में तो मैं बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगता था, मतलब भारत के बाद मुझे लंदन अच्छा लगता था
मैं हर साल दो मर्तबा तो जाती थी और वहाँ मैं एक एक दिन मतलब पैदल इधर उधर घूमना और मतलब शॉपिंग करना ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। लंदन बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ, जो हमारे लोग हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं और वहाँ जितने मतलब मुझे प्रोग्राम के वक्त लोग मिले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मुझे लंदन में, लंदन को मैं मिस करती हूँ। दीदी ज्योति चावला पंजाबी हैं, उनकी बहू का जन्मदिन है, वो कह रही हैं कि आप बधाई देंगी तो अच्छा लगेगा। ज्योति चावला जी, आपकी बहू का आज जन्मदिन है और मैं उनको हैप्पी बर्थडे कहती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें वो और मुझे यकीन है कि ज्योति जी उनको अपनी बेटी की तरह मतलब प्यार करें, बहू की तरह नहीं बेटी ही समझें उनको, यही मेरी इच्छा है। सब आपको कोटि कोटि प्रणाम कह रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। मैं सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सबका भला चाहती हूँ, सब खुश रहे। अंबर अंबर जारा डीजल फ्रॉम सिंगापुर, एनी मेमोरी ऑफ सिंगापुर दीदी? सिंगापुर में मैंने शो किया था और उस शो में मुझे तमिल गाना पड़ा था और वहाँ के लोग तमिल मतलब बोलते हैं और पसंद करते हैं। फिर बाद में मुझे मालूम हुआ कि वहाँ तमिल लोग बहुत रहते हैं और उनका पूरा मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ वही लोग हैं और वो सारे अपने त्यौहार भी मनाते हैं। अच्छी जगह है सिंगापुर, बहुत सुंदर जगह है, खाना भी अच्छा मिलता है और मुझे बहुत पसंद है। दीदी, दे वॉन्ट यू टू शेयर अ मेमोरी ऑफ कोलकाता। अच्छा, कलकत्ता तो मैं बहुत जाती रही हूँ और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि मैंने कहीं और शोज नहीं किए, बम्बई में किया, पुणे में किया और कलकत्ता में तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैंने शोज़ किए हैं और मुझे कलकत्ता में लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए कि मैं बांग्ला बोल सकती हूँ थोड़ा सा और मैंने बंगाली गाने गाए हैं मतलब, और वहाँ का वातावरण और मुझे वैसे भी विवेकानंद जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी और इन लोगों से मतलब मुझे बहुत प्यार है और दूसरे मतलब जिनके मैं गाना गाना चाहती हूँ वो हैं अपने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। दीदी, देयर इज़ वन कनक लता फ्रॉम कनाडा, शी सेइंग प्लीज शेयर अ मेमोरी ऑफ कनाडा। कनाडा में तो मैं बहुत बार आई हूँ, चूँकि मेरी एक सहेली थी जो कनाडा में रहती थी, सबसे पहले उसने मुझे टिकट भेजा था और कहा कि दीदी तुम यहाँ चली आओ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसका घर बहुत सुंदर था, किंगस्टन में वो रहती थी और मैं किंगस्टन में हमेशा जाती थी। कनाडा बहुत सुंदर जगह है और मैं क्या तारीफ़ करूँ वहाँ का, मतलब हर जगह हर रेस्टोरेंट वगैरह और हर जगह जो चीज़ें मिलती हैं कनाडा में बहुत अच्छी मिलती है, मुझे कनाडा से भी प्यार है। दीपक सिन्हा कह रहे हैं आपको लाइव देखना बहुत अच्छा है। अब क्या पूछ रहे हैं, कौन पूछ बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। बहरीन से डॉक्टर विवेक का नमस्कार कह रहे हैं।
बहरीन तो अपने वहाँ है, मतलब मैं दुबई गई थी, दुबई से मैं बहरीन शो करने गई थी, पर बहरीन में एक ही मर्तबा गई और बहरीन में मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं। मैं होटल में थी और जहाँ हमारा शो था उसी जगह मैं रहती थी और शो करके मैं वापस दुबई आ गई थी। पर आप बहरीन में हैं, मैं आपको आदाब कहती हूँ और खुश रहिए। क्या करते हैं आप बहरीन में? डॉक्टर है। डॉक्टर साहब हैं, अच्छा। जर्मनी से नमस्कार समीर। There is Didi, greetings for you from all over the world right now, and people are appreciating everything that you're saying. Thank you very much. They are giving you their best. They are blessing you, wishing you happy New Year as well. मैं बहुत बहुत आप लोगों को नए साल की बधाई देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये नया साल आपको सुख शांति आनंद और हर चीज़ आपकी जीवन में लाएं और आप सबको खुश रखें। और मैं आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। दीदी दिल्ली से एक लिख रहे हैं कि दिल्ली की कोई मेमोरी बताएं। दिल्ली की मेमोरी और क्या हो सकती है? मैंने आए मेरे वतन के लोगों वहाँ गाया था और लोगों ने वो पसंद किया, सिर्फ आज नहीं कल नहीं आज तक पसंद कर रहे हैं। और मुझे जब मैं प्रोग्राम में गाती हूँ तो मैं कभी कभी क्या करती थी कि प्रोग्राम में मैं ऐ मेरे वतन के लोगों नहीं गाती थी तो लोग खड़े हो जाते थे एंड में और कहते थे कि आपको गाना ही पड़ेगा, तो मुझे गाना पड़ता था। तो इससे बड़ी मेमोरी और क्या हो सकती है दिल्ली के लिए। रवि शिंदे इंदौर से आपको नमस्कार कर रहे हैं और इंदौर के बारे में पूछ रहे हैं। रवि जी नमस्कार आपको, और मैं आपको इंदौर के बारे में क्या बताऊं, मेरा जन्म वहाँ हुआ है, मेरी मौसी और मौसी के सब बच्चे सब वहाँ बड़े हुए हैं, मैं जाके इंदौर में रहती थी उनके साथ और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आपका जो खाने का जो क्या है उषा मंटा तला जो सराफा है, तो वहाँ जाके मैं दही बड़े और ये सब खाया करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इंदौर तो कमाल की चीज है। दीदी लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू, लॉट्स ऑफ लव बीइंग सेंट टू यू। Thank you, thank they are you, saying that you are the true Bharat Ratna. आप ये सोचते हैं भारत रत्न मैं क्यों बनी, आपको बताती हूँ। आपने इतना प्यार दिया है मुझे, और प्यार मतलब थोड़े दिन नहीं, अब 75 साल हो रहे हैं इस साल। मैं 2017 में फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए मुझे 75 ईयर्स हो रहे हैं, तो ये जो प्यार मुझे 75 साल आपने दिया है और अभी तक दे रहे हैं, इसीलिए मैं भारत रत्न बनी हूँ, वरना भारत रत्न मुझे नहीं बनाते हूँ। तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। That's very very humble of you, दीदी। नहीं नहीं हम्बल नहीं, ये सच्चाई है। अजीजुल्लाह आपको आदाब कर रहे हैं। कहाँ से हैं? फटाफट जा रहा है वो। अजीजुल्ला जी को अजीतुल्ला जी कम। राज परमार यूके की कोई मेमोरी बताया हूँ। दीदी, they just said that you are the sweetest voice of the world. ये भगवान की देन है, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे गुरु जो थे सब
सबका आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार है, इसीलिए ये सब मुझे मिला है और आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इसीलिए मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। दीदी, एनी मैसेज फॉर द न्यू ईयर फॉर ऑल योर फैंस? मैसेज देने लायक मैं तो हूँ नहीं, पर मैं इतना कहूँगी कि ये नया साल आपको अच्छा ही हो, पर नया साल अगर आप काम कर रहे हैं तो दिल से काम कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, जो भी आप करें, गाना गाएं तो उसमें भी रियाज करें, डांस करते हो तो उसमें भी रियाज करें, और आप अपने काम में बहुत ध्यान दें और अपने घर वालों को, ख़ास तौर पे माँ बाप, और अगर बड़े कोई हैं चाचा और नाना नानी दादा दादी, तो उन सब के साथ प्यार से पेश आइए और उनको दूर नहीं फेंकिए, बस यही मैं चाहती हूँ। मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया है और मैं काफ़ी देर से बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और फिर मिलने की, आपको मैं फिर मिलने का वादा करती हूँ, और आपको मैं सबको प्यार मिला और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत धन्यवाद। नमस्कार।